नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। क्राइम की कहानियां तो आप हर रोज सुनते हैं, लेकिन आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, उसे सुनकर आप चौंकेंगे जरूर। यह मामला है आंध्र प्रदेश का। तारीख है 17 और 18 मई की। 17 और 18 मई यानी 17 और 18 मई 2023 की दरमियानी रात को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के जिल्लेलापादू क्रॉस रोड पर एक महिला की लाश मिलती है। जब इस लाश पर लोगों की नजर जाती है तो लोग ऑब्वियसली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आउट ऑफ बेचैनी, मैं कहूँगा, वो लाश के पास जाते हैं और वो रियलाइज करते हैं कि महिला की मौत किसी सड़क हादसे में हुई है, किसी वाहन ने उसे कुचला है, और फिर फौरन वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जिस जगह पर जिल्लेलापादू क्रॉस रोड पर ये लाश मिली थी वो इलाका वेली गंदला मंडल की हद में आता है, मतलब वेली गंदला कमिश्नरेट की हद में पड़ने वाली वो जगह है जहां पर ये डेड बॉडी मिली थी। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और पुलिस की टीम आकर उस महिला की लाश को बरामद करती है। लाश को देखकर ये लगता है कि वो वाकई किसी सड़क हादसे का शिकार हुई है, क्योंकि जिस तरह से चोट के निशान थे उसके शरीर पर और जिस तरह से कपड़े वगैरह फटे हुए थे, उसे देखकर लग रहा था कि शायद कोई गाड़ी इस महिला को कुचलकर निकल गई है। और महिला की उम्र जो है सरसरी तौर पर या ऊपरी तौर पर देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो 30 से 40 के बीच में रही होगी। लेकिन इस महिला का एक्सीडेंट कैसे हुआ, कौन सी गाड़ी ने उसे हिट किया, जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी कहाँ गई, क्या किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा, ये तमाम सवाल पुलिस के जहन में थे और पुलिस को अब इस मामले की तफ्तीश करनी थी। यानी पुलिस को उस गाड़ी का पता लगाना था जिस गाड़ी के टक्कर से इस महिला की मौत हुई है। पुलिस जो उसकी परिपाटी है, जो काम करने का तरीका है, उसके मुताबिक पुलिस ने उस लाश को बरामद किया। बरामद करने के बाद उसे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर वो कानूनी कार्रवाई में जुट गई और एक्सीडेंट के लिए जो गाड़ी का सुरवार है, जो जिम्मेदार है, उस गाड़ी की तलाश करने की कोशिश करने लगी। 17 और 18 मई की दरमियानी रात की यह घटना थी। जैसे ही आप समझिए कि एक दो दिन गुजरे, इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई और जैसे ही पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, पुलिस का दिमाग घूम गया। दिमाग पुलिस का इसलिए घूम गया क्योंकि जो मामला अब तक रोड एक्सीडेंट का लग रहा था वो मामला रोड एक्सीडेंट का नहीं था, बल्कि इस महिला की किसी ने हत्या की थी और हत्या करके लाश को सड़क पर कुछ इस तरह से फेंक दिया था जिसे देखकर ये लगे कि महिला की मौत एक्सीडेंट में हुई है। यानी कातिल ने कत्ल करने के बाद मामले को भटकाने की पूरी कोशिश की थी और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ये कन्फर्म कर रहे थे कि महिला की मौत स्ट्रैंगुलेशन से यानी गला घोंटे जाने की वजह से हुई है। अब पुलिस के लिए ये एक्सीडेंट का मामला कत्ल के मामले में कन्वर्ट हो चुका था, बदल चुका था, और अब पुलिस एक्सीडेंट के लिए जो गाड़ी जिम्मेदार है, जो गाड़ी का ओनर जिम्मेदार है, उसकी तलाश छोड़कर पुलिस इस महिला के कातिल की तलाश में लग गई। मतलब अब तक पुलिस एक गाड़ी को ढूंढ रही थी, लेकिन अब पुलिस गाड़ी नहीं बल्कि किलर को ढूंढ रही थी, कातिल को ढूंढ रही थी। उधर इस महिला की पहचान पता होने पर पुलिस ने इस महिला के पति से कांटेक्ट किया। महिला की पहचान जो है वो एम राधा के तौर पर हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी और उसके पति का नाम है कोटा मोहन रेड्डी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हैदराबाद में कोटा मोहन रेड्डी काम करता है। तो जब कोटा मोहन रेड्डी से पुलिस ने मुलाकात की, पुलिस ने ये बताया कि आपकी पत्नी की लाश हमें जिल्लेलापादू क्रॉस रोड पर मिली थी, जो एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुई थी, क्योंकि जब तक पुलिस ने राधा के पति कोटा मोहन रेड्डी को कांटेक्ट किया तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी और मर्डर की बात भी सामने नहीं आई थी। ऐसे में पुलिस ने जब उसके पति को बताया कि तुम्हारे पत्नी की मौत हो गई है और वो सड़क हादसे का शिकार हुई है, तो कोटा मोहन रेड्डी जो है वो बहुत हैरान हुआ। वो बिल्कुल सन्न रह गया ये सुनकर कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, और उसने बताया कि उसकी बीवी अब से कुछ रोज़ पहले यानी 11 मई को अपने घर से अपने पैतृक गांव यानी विलेज के लिए, नेटिव प्लेस के लिए निकली थी, जहां चौदेश्वरी फेस्टिवल के नाम से एक धार्मिक कार्यक्रम होता है जिसमें वो अपने दोनों बच्चों के साथ शामिल होने के लिए गई थी। अब कोटा मोहन रेड्डी का ये कहना था कि उसकी बीवी वहां से शहर वापस कब आई
और वापस भी आई तो जिलेला पादू क्रॉस रोड पर वो कैसे पहुंची, वहां वो कैसे एक्सीडेंट का शिकार हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में वो बिल्कुल अनजान था। और अपनी पत्नी की एक्सीडेंट में मौत के बारे में सुनकर वो बहुत दुखी हो चुका था और पुलिस के लिए भी उससे पूछताछ करना और ज़्यादा जानकारी उससे जुटाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि पुलिस एक साथ कई तरफ से इस मामले की जांच करने में लगी हुई थी, सिर्फ पति से ही पूछताछ करके सच्चाई पता करना पुलिस के लिए ज़रूरी नहीं था, बल्कि पुलिस को सारे एंगल को एक्सप्लोर करना था, हर तरीके से ये पता करना था कि इस महिला की मौत कैसे हुई होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चल गया कि महिला की मौत जो है वो रोड एक्सीडेंट में नहीं बल्कि मर्डर की वजह से हुई है, तो पुलिस ने बड़ी खामोशी से अपने मामले की तफ्तीश जो है वो एक्सीडेंट से कत्ल की दिशा में मोड़ दी और पुलिस अब कत्ल के मामले की तफ्तीश कर रही थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने राधा के घर वालों से बातचीत की, यानी राधा के मायके वालों से बातचीत की, और जब राधा के मायके वालों से बातचीत हुई तो एक नई कहानी निकलकर सामने आई। राधा के घर वालों ने बताया कि राधा का एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, यानी बचपन का दोस्त, जिसका नाम है काशी रेड्डी। ये काशी रेड्डी जो है 16 और 17 तारीख को लगातार मैसेजेस करके राधा को मिलने के लिए वापस शहर में बुला रहा था। ये बात घर वालों ने बताई और साथ ही घर वाले अब ये भी आशंका जता रहे थे कि हो ना हो इस मौत के पीछे जो है काशी रेड्डी का ही हाथ हो सकता है। पुलिस को अब इस मामले की तफ्तीश में एक नया एंगल मिल चुका था, एक नए किरदार के बारे में जानकारी मिल गई, काशी रेड्डी के बारे में पता चल गया, और घर वाले इस मर्डर के पीछे जो वजह बता रहे थे उसके पीछे वो बता रहे थे कि कोई पैसों का लेन देन या फाइनेंशियल डिस्प्यूट जो है राधा और काशी रेड्डी के बीच था, तो काशी रेड्डी जिस तरह से मैसेजेस कर करके बार बार राधा को बुला रहा था उससे उनको लग रहा है कि इस मर्डर के पीछे काशी रेड्डी का हाथ है। तो अब जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस को यह भी पता चला कि काशी रेड्डी ने राधा को फोन करके उसी वेली गंदला मंडल के एक बस स्टॉप पर, जिसका नाम है पामुरु बस स्टॉप, उस पामुरु बस स्टॉप पर मिलने के लिए बुलाया था और ये कहा था कि वो रुपयों की एक किश्त, एक इंस्टॉलमेंट उसे देगा। बेसिकली काशी रेड्डी चूंकि बचपन का दोस्त था और बहुत ही अच्छा मित्र था, तो काशी रेड्डी जब मुसीबत में था उस समय राधा और उसके पति ने मिलकर, कोटा मोहन रेड्डी ने मिलकर काशी रेड्डी को अब से कुछ साल पहले 50 लाख रुपए उधार दिए थे। ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी राशि। और काशी रेड्डी अब ये रुपए वापस नहीं लौटा रहा था, तो इस रुपए के वापस नहीं लौटाने की वजह से जाहिर है पति पत्नी दोनों परेशान थे और वो लगातार काशी रेड्डी से अपने मेहनत की कमाई जो है वो वापस मांगते रहते थे। और अब घर वालों ने ये बताया कि काशी रेड्डी ने उन पैसों की एक किश्त चुकाने के लिए, एक इंस्टॉलमेंट देने के लिए राधा को मैसेजेस किए थे और राधा को मिलने के लिए पामुरु बस स्टैंड पर बुलाया था। ये आखिरी बातचीत घर वालों की तरफ से पुलिस को पता चली और पुलिस अब काशी रेड्डी के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत कर चुकी थी। पुलिस की छानबीन अभी चल ही रही थी और काशी रेड्डी पर घर वाले शक भी जता रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और शक जताने पर पुलिस ने काशी रेड्डी को हिरासत में भी लिया और उससे पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी ही देर की पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई कि राधा रेड्डी की मौत से काशी रेड्डी का कोई लेना देना नहीं है। काशी रेड्डी से जो भी सवाल पुलिस ने पूछे उसने उन सवालों का सही सही जवाब दिया। कोई भी मैसेज करने की बात से उसने अनभिज्ञता जताई, उसने कहा कि उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है राधा रेड्डी से, और उसने ये भी बताया कि जिस वक्त का लोकेशन पामुरु बस स्टैंड का राधा रेड्डी बता रही है या फिर सीन ऑफ क्राइम का जहां पर डेड बॉडी मिली थी उस जगह पर वो गया ही नहीं है। तो पुलिस ने जब इन सारी चीज़ों को वेरीफाई किया तो पता चला कि वाकई काशी रेड्डी जो है वो सच बोल रहा है और राधा रेड्डी के कत्ल से काशी का कोई लेना देना नहीं है। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के लिए तकरीबन ये बात साफ हो गई। अब पुलिस को ये लगने लगा कि अगर काशी रेड्डी, जिसके साथ मॉनिटरी डिस्प्यूट था, अगर उसने राधा की हत्या नहीं की है तो राधा की हत्या किसने की। अब ये मामला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था और पुलिस ने राधा के मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई, और पुलिस ने जब राधा के मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि राधा को काशी रेड्डी के नाम से एक नहीं बल्कि कई मैसेजेस किए गए थे और ये सारे मैसेजेस अलग अलग मोबाइल नंबरों से किए गए थे, यानी सारे मैसेजेस जो है अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल करके किए गए थे।
यह अपने आप में एक अजीब बात थी। काशी रेड्डी पुलिस की हिरासत में था, वो कत्ल की बात से इनकार कर रहा था, मैसेजेस काशी रेड्डी के नाम से भेजे जा रहे थे, लेकिन काशी रेड्डी अपने मोबाइल फ़ोन से या किसी एक मोबाइल फ़ोन से मैसेज नहीं भेज रहा था और न ही उसे फ़ोन कर रहा था, बल्कि मैसेज भेजने वाला अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर काशी रेड्डी के नाम से राधा को बुला रहा था। ये सारी बातें बड़ी मिस्टीरियस पता चल रही थी और इसी सिलसिले में पुलिस जो है वो अब राधा रेड्डी के मोबाइल फ़ोन की सारी डिटेल निकालकर ये पता करने में जुट गई कि आखिर किन किन नंबरों से उसको मैसेजेस भेजा गया था। इसमें से कई नंबर पुलिस को स्विच्ड ऑफ मिले, लेकिन पुलिस को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और क्लू इस मामले में मिला और वो क्लू ये था कि राधा रेड्डी को जो पहला मैसेज काशी के नाम से भेजा गया था, काशी रेड्डी उसके दोस्त के नाम से भेजा गया था, वो भेजा गया था संगा रेड्डी पाटनचेरू रोड से, यानी एक पर्टिकुलर लोकेशन से वो मैसेज जो कातिल था उसने राधा को भेजा था। ये बात जब साफ हो गई तो पुलिस ने यह तय किया कि वो संगा रेड्डी पाटनचेरू रोड के उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर ये पता करने की कोशिश करेगी कि क्या यहां से किसी आदमी ने राधा रेड्डी को मैसेज भेजा था या नहीं भेजा था। इसी एक्सरसाइज में पुलिस ने पिन पॉइंट लोकेशन निकाली और निकालने के बाद पुलिस ने एक फ्रूट जूस सेलर को आइडेंटिफाई किया। ये बेसिकली शुगर केन का जूस यानी गन्ने का जूस जो है वो सड़क के किनारे बेचा करता था और इस गन्ने के जूस के विक्रेता के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर कातिल ने राधा रेड्डी को फ़ोन पर मैसेज भेजा था और मैसेज भेजकर उसे बुलाया था पामुरू बस स्टैंड में। पुलिस ने अब गन्ने का जूस बेचने वाले उस आदमी की पहचान कर ली थी। पुलिस की टीम उस आदमी के पास पहुंची, गन्ना जूस विक्रेता के पास, और उससे पूछा कि 17 तारीख की दोपहर को या शाम को आखिर उसके दुकान के पास से या उसके मोबाइल फ़ोन से किसने मैसेज भेजा होगा, उसने क्या अपना मोबाइल फ़ोन किसी को दिया था। तो गन्ने के जूस के विक्रेता ने, दुकानदार ने पुलिस को एक अहम बात बताई। उसने ये बताया कि उस रोज़ दोपहर को एक आदमी उसकी दुकान पर आया था जिसने ये कहा कि उसका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है, वो किसी से बात करना चाहता है लेकिन बात नहीं कर पा रहा है, तो कुछ देर के लिए मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दे दो। जब गन्ने के जूस के विक्रेता को ये बात एक ग्राहक ने कही, एक आदमी ने कही, तो उस दुकानदार ने अपना मोबाइल फ़ोन उस अजनबी आदमी को दे दिया और इसके बाद गन्ने के जूस के दुकानदार का ये कहना था कि थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन मुझे वापस दे दिया और मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता है। इधर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चल गई कि गन्ने के जूस का विक्रेता जो है, जो दुकानदार है, उसके मोबाइल फ़ोन में एक सिम कार्ड डालकर उस मोबाइल फ़ोन से मैसेज राधा रेड्डी को भेजा गया था। लेकिन वो सिम कार्ड डालकर राधा रेड्डी को मैसेज भेजने वाला आदमी कौन था ये बात गन्ने का जूस बेचने वाला आदमी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए वो आदमी अजनबी था, वो पहचान नहीं सकता था। तो पुलिस ने जब उससे उस आदमी के बारे में पूछा तो उसने वो कोई कंक्रीट जवाब नहीं दे पाया, लेकिन जब पुलिस ने काशी रेड्डी का हुलिया और काशी रेड्डी की तस्वीर दिखाकर गन्ने के जूस के विक्रेता से इसके बारे में सवाल जवाब किए तो गन्ने के जूस का जो सेलर था, जो विक्रेता था, उसने ये कहा कि नहीं, वो ये आदमी नहीं था जिसने उससे मोबाइल फ़ोन मांगा हो या लिया हो, वो काशी रेड्डी नहीं था। काशी रेड्डी का इस मर्डर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये बात तकरीबन शुरुआती तफ्तीश में ही पुलिस के लिए क्लियर हो चुकी थी, साफ हो चुकी थी। और जब गन्ना का जूस बेचने वाले आदमी ने भी काशी रेड्डी के उसके दुकान में आने और उसका मोबाइल फ़ोन मांगने की बात से इनकार कर दिया, यानी काशी रेड्डी को पहचानने से इनकार कर दिया, तो पुलिस इस बात को लेकर और कन्फर्म हो गई कि मर्डर में काशी रेड्डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब पुलिस के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर ये काशी रेड्डी नहीं है तो कौन है। पुलिस ने अब राधा रेड्डी के तमाम नज़दीकी लोगों के बारे में जानकारियां जुटानी शुरू की और जिन जिन लोगों की तस्वीरें पुलिस को मिली वो सारी तस्वीरें उसने गन्ना जूस बेचने वाले आदमी को दिखाई। इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर राधा रेड्डी के पति कोटा मोहन रेड्डी का भी था। पुलिस ने जब कोटा मोहन रेड्डी की तस्वीर गन्ने का जूस बेचने वाला आदमी को दिखाई तो वो जूस बेचने वाला आदमी देखते ही पहचान गया कि अरे ये यही आदमी था जिसने मुझसे मोबाइल फ़ोन लिया था और कहा था कि उसका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, वो कुछ देर के लिए
मेरा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहता है। ये बात सुनते ही पुलिस के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि अब तक तो कोटा मोहन रेड्डी अपनी बीवी की मौत पर बहुत दुख जता रहा था। मर्डर तो बहुत दूर की बात, वो कह रहा था कि मेरी बीवी का एक्सीडेंट कैसे हो गया मुझे नहीं पता, मेरी बीवी गाँव गई थी मेरे दोनों बच्चों को लेकर वहाँ एक फंक्शन अटेंड करने के लिए, और यहाँ पुलिस की तफ्तीश कुछ और कहानी बता रही थी। पुलिस की तफ्तीश बता रही थी कि काशी मोहन रेड्डी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि राधा जिसकी हत्या हुई है उसका पति कोटा मोहन रेड्डी ही इस मामले में शामिल है, क्योंकि गन्ने का जूस बेचने वाला आदमी आखिरी बार उसके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले आदमी के तौर पर कोटा मोहन रेड्डी की पहचान कर चुका था। अब पुलिस ने राधा के पति कोटा मोहन रेड्डी को पकड़ा और बहुत सख्ती से उससे पूछताछ शुरू की। जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसने आखिरकार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की पूछताछ और दबाव के आगे अपना जुर्म कबूल कर लिया और ये मान लिया कि उसी ने 16 और 17 मई की दरमियानी रात को अपनी बीवी राधा रेड्डी की, एम राधा रेड्डी की हत्या की थी। ये हत्या क्यों की और कैसे की, अब ये बड़ा सवाल था जो पुलिस जानना चाहती थी। तो पहले आपको बताता हूं कि कोटा मोहन रेड्डी ने राधा की हत्या कैसे की। कोटा मोहन रेड्डी जो है वो अपनी पत्नी से जाहिर है चिढ़ा हुआ था, नाराज था, क्योंकि कोई अगर प्यार करता हो तो कत्ल तो करेगा नहीं। क्यों गुस्से में था वो वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि मर्डर उसने किया कैसे। मर्डर करने के लिए उसने ये तय किया कि वो काशी रेड्डी बनकर जो है अलग अलग नंबरों से अपनी बीवी को मैसेज करेगा और मैसेज करके किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर बुलाएगा। पुलिस की तफ्तीश में भी ये बात तकरीबन साफ हो चुकी थी, वो अलग अलग सिम कार्ड लेकर अपनी बीवी को मैसेजेस कर रहा था और पहला मैसेज उसने उसी गन्ने के जूस के दुकानदार से मोबाइल फ़ोन मांगकर किया था और मोबाइल से मैसेज करके उसने अपनी बीवी को पामोरू बस स्टैंड पर बुलाया था और ये बताया था कि वो काशी रेड्डी है, वो कुछ पैसे देना चाहता है वापस, तो इसीलिए राधा उससे पैसे पिक करने के लिए चली आए। राधा चूंकि बहुत डिस्पेरेट थी अपने पैसों को लेकर, वो चाहती थी कि पैसे उसे मिले, तो जैसे ही काशी रेड्डी के नाम से मैसेज आया राधा पामोरू बस स्टैंड पहुंच गई। काशी रेड्डी को तो पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है उसके पीठ के पीछे, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे राधा का पति कोटा था, तो जब कोटा मोहन रेड्डी ने देखा कि उसकी बीवी पामोरू बस स्टैंड पहुंच गई है तो वो बस स्टैंड आ पहुंचा और उसने अपनी बीवी से पूछा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो गाँव में होना था बच्चों के साथ, तुमको तो वहाँ फंक्शन अटेंड करना था, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई। तो राधा ने कहा कि वो तो रुपए लेने की आई है, क्योंकि काशी रेड्डी जो है वो रुपए देने की बात कह रहा था और इस बस स्टॉप पर ही मिलने बुलाया था, इसलिए वो मिलने के लिए आई है और वो चाहती है कि रुपए ले, जो भी पैसा रिकवर कर सकती है करे। लेकिन अब यहाँ पति पत्नी एक दूसरे को मिल चुके थे, पति के दिमाग में साजिश चल रही थी और बीवी को इस बात का कोई दूर दूर तक अंदेशा नहीं था, कोई ख्याल नहीं था। खैर जब पति पत्नी मिल गए तो पति ने यह कहा कि चलो काशी मोहन रेड्डी तो यहाँ मुझे भी नहीं दिख रहा, लेकिन आओ अब तुम्हें घर छोड़ते हैं। उसके बाद उसने राधा को अपनी गाड़ी में बिठा लिया, उसके पति कोटा मोहन रेड्डी ने, और बिठाने के बाद एक सुनसान रास्ते पर ले गया, जहां ले जाकर पहले से चूंकि इसके दिमाग में प्लानिंग थी उसने अपनी बीवी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या कर देने के बाद उसने लाश को उसी जिल्लला पादू क्रॉस रोड के पास एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया और लाश फेंकने के बाद अपनी गाड़ी से, अपनी कार से उसकी डेड बॉडी को कई बार कुचला। इसलिए कुचला ताकि देखने वालों को, पुलिस को ये लगे कि यह मामला रोड एक्सीडेंट का है। और जैसा कि आपको पता है 17 और 18 मई की दरमियानी रात को यह घटना हुई थी और उसके बाद जब डेड बॉडी पुलिस ने रिकवर की, पुलिस ने देखी, तो पुलिस को लगा कि यह मामला वाकई एक्सीडेंट का है। शुरू में पुलिस इसे एक्सीडेंट का ही मामला मानकर चल रही थी। तो इस तरह से कोटा मोहन रेड्डी ने बड़े ही शातिराना तरीके से अपनी बीवी की हत्या की साजिश रची और उस हत्या को काशी मोहन रेड्डी के नाम से वो अंजाम देना चाहता था। अब सवाल है कि इस पूरे मामले से काशी मोहन रेड्डी का आखिर इतना क्या लेना देना है, और दूसरा ये कि मर्डर की वजह क्या है। तो बेसिकली मर्डर की वजह ही काशी मोहन रेड्डी है। काशी मोहन रेड्डी राधा का बचपन का दोस्त था और राधा के कहने पर ही उसके पति कोटा मोहन रेड्डी ने और खुद राधा ने, इन दोनों ने मिलकर काशी मोहन रेड्डी को 50 लाख रुपये उधार दिए थे। ये 50 लाख रुपए काशी मोहन रेड्डी राधा को और उसके पति को वापस नहीं लौटा रहा था और पति पत्नी के बीच में इस 50 लाख रुपए को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे। असल में कोटा मोहन रेड्डी लगातार अपनी बीवी राधा को
एक्यूज किया करता था, उस पर इल्ज़ाम लगाया करता था कि उसी ने 50 लाख रुपए डुबा दिए, अगर उसने अपने नालायक दोस्त काशी मोहन रेड्डी को ये रुपए नहीं दिए होते तो आज उन्हें इन 50 लाख रुपयों के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता, उनके मेहनत की गाढ़ी कमाई जो है उसके बचपन के दोस्त ने हड़प कर ली। अब जब रिश्ते खराब होते हैं तो बात का बतंगड़ बन जाता है, चीज़ें लगातार बिगड़ती जाती हैं। अब जो पति है कोटा मोहन रेड्डी, उसको ये लगने लगा था कि उसकी पत्नी शायद काशी मोहन रेड्डी के साथ इन्वॉल्व भी है, किसी रिलेशनशिप में है, और ये बात जो है कोटा मोहन रेड्डी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी। मतलब एक तो काशी मोहन रेड्डी 50 लाख रुपए हड़प चुका था, दूसरा कोटा मोहन रेड्डी को ये लगता था कि उसकी बीवी राधा जो है काशी मोहन रेड्डी के साथ किसी रिलेशनशिप में है। तो ये दो वजहें थी कि वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, और इसी चिढ़ के मारे, इसी जलन के मारे वो राधा की हत्या करना चाहता था, और इस हत्या के लिए उसने फुल प्रूफ प्लानिंग बहुत ठंडे दिमाग से रची थी। इसी प्लानिंग के तहत उसने अपनी बीवी को 11 मई को बच्चों के साथ गांव भी भेज दिया था, और उसके बाद फेक आइडेंटिटी से, काशी मोहन रेड्डी की आइडेंटिटी से लगातार मैसेजेस करके उसने अपनी बीवी को एक ठिकाने पर बुलाया, और घर वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, घर वालों को लग रहा था कि काशी मोहन रेड्डी ने ही बुलाया है, और कोटा मोहन रेड्डी जो उसका पति है उसने आखिरकार अपनी बीवी को धोखे से बुलाकर एक तरह से उसको किडनैप कर लिया, और किडनैप करने के बाद उसकी हत्या करके लाश फेंक दी। लेकिन पुलिस ने तफ्तीश की और एक एक करके सारी कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने इस मामले का खुलासा भी कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस का अनडाउटेडली बहुत बढ़िया रहा, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और दूसरा ये कि किस तरह से उसके पति ने इतनी गहरी और शातिराना साजिश रची, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद उसका पति जो है आखिरकार पकड़ा ही गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये पूरी कहानी थी। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी, इस कहानी ने चौंकाया ज़रूर होगा, जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में ही आप सबसे ये बात कही थी। एक बात और, चूँकि ये कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी मेरे हिसाब से, किरदार तो तीन ही थे, लेकिन जिसने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इस पूरी साजिश को, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को उसने रचा था, वो बड़ी उलझाने वाली थी। तो मुझे नहीं पता कि मैं ठीक से कन्वे कर पाया हूँ या नहीं। अगर ये स्टोरी प्रॉपरली आप लोगों को समझ में आई हो, मतलब मेरे बोलने में अगर कोई कमी नहीं रही हो, तो फिर थैंक यू वेरी मच, आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर कहीं पर आप लोगों को कोई मिसिंग लिंक्स जैसी बात लगी तो प्लीज़ उसके बारे में भी लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। आइए अब कुछ नाम पढ़ता हूँ जो मेरे प्रीवियस वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था उसके बारे में। प्रीवियस वीडियो जो है एक ऐसे मर्डर केस का था जिसका खुलासा पूरे 48 साल के बाद हुआ था। वैभव नितेश हमारे व्यूअर हैं, और उन्होंने पहले की तरह ही एक और रिक्वेस्ट या ऑर्डर जो भी कहूँ उन्होंने ये दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे वीडियोस का एक सेपरेट प्लेलिस्ट होना चाहिए। तो खैर, आपका ये मैसेज जो है मैं कई बार अपने क्राइम तक की टीम को कन्वे कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्राइम तक की टीम कब तक प्लेलिस्ट तैयार करेगी, लेकिन चलिए जब तक आपको प्लेलिस्ट के साथ मेरे वीडियोस नहीं मिलते हैं तब तक आप सुप्रतिम से सुनिए टाइप करके जो है मेरे वीडियोस को सर्च करके देख सकते हैं। प्लस वीडियो सेक्शन में अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मेरे वीडियोस आपको नजर आएंगे। मामूनी बोरगोहाँ जो है वो रेगुलर कमेंट करती हैं, उन्होंने प्रीवियस स्टोरी के लिए कहा है वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू वेरी मच। होसन्ना जी भी रेगुलर कमेंट करती हैं और बहुत हौसला अफजाई करती हैं। उन्होंने बताया है कि 1975 उनका बर्थ ईयर है, जबकि वो कहानी थी जो कहानी पिछली कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी, द नूब गाई के नाम से एक आईडी है। इन्होंने लिखा है कि आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम लिसनिंग टू योर स्टोरीज एवरी डे, योर वॉइस इज़ ग्रेट, थैंक यू वेरी मच इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और संगमित्रा जेना जी का भी कमेंट आया है, योर वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज इज़ क्वाइट नेचुरल एंड इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच। आपको और शम्स सर जी को रोज़ सुनते हैं, ये बिंदिया भट्ट मिश्रा जी ने कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमामुल्लो, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग है। और भगवती छेत्री जी का भी कमेंट आया है, आई एम रेगुलर लिसनर ऑफ क्राइम स्टोरीज स्पेशली योर्स एंड ताहिर सर, से इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। विजेंद्र सिंह जी का भी कमेंट आया है, उमा शर्मा जी बेंगलुरु से हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उमा शर्मा जी जो हैं वो मेरी बहन है, हालांकि वो क्राइम तक के प्लेटफॉर्म पर ही मुझे मिली है और वो मुझे अपना भाई मानती हैं, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो मुझे अपना भाई मानती हैं, तो मैं भी उन्हें एक बहन के तौर पर ही देखता हूँ और उनका उसी रूप में आदर और सम्मान भी करता हूँ। एक हमारे और दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि सर तुम गर्ल के कमेंट ही लेते हो, हमारे कमेंट क्यों नहीं लेते हो, ये नाइंसाफ़ी बहुत होता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, इनका नाम गिरधर है, तो
गिरधर जी ने ऐसा क्यों कहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो रैंडमली सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। हो सकता है कि गिरधर जी ने मेरा ध्यान खींचने के लिए शायद ऐसी बात कही हो, लेकिन गिरधर जी मैं मतलब किसी जेंडर बायस में नहीं हूँ, मैं सारे लोगों का नाम पढ़ता हूँ। जैसे इसके बाद देखिए दीपक हीरा जी का कमेंट है वो मैं पढ़ रहा हूँ, मोहम्मद इशाक जी का नाम है वो पढ़ रहा हूँ, प्रदीप भांबू जी ये भी पुरुष हैं मर्द हैं इनका कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, शीतल शर्मा जी हाँ ये लड़की हैं ये लेडी हैं। तो इन्होंने एक दिलचस्प बात लिखी है, इन्होंने लिखा है कि जेनेलॉजिकल वेबसाइट्स फॉरेन में क्यों बनाई जाती है इसके बारे में वो जानना चाहती हैं। ऑनेस्टली सेइंग मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं पता करने की कोशिश करूंगा शीतल जी आपके इस सवाल का जवाब अगर कभी हो पाया तो मैं दूंगा। टेस्टी खाना के नाम से एक आईडी है जिन्होंने कल भी कमेंट किया था और मैंने उनका नाम लिया था, तो खैर उन्होंने भर भर के मुझे दुआएँ दी हैं, बहुत जिसे कहते हैं मेरे लिए अच्छी बातें लिखी है, विशेष भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच आपको। झुमुर चक्रवर्ती ने भी अपनी बात रखी है, उन्होंने लिखा है कि मैं डेली आपकी और शम सर की स्टोरी सुनती हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट इतने साल बाद इन्वेस्टिगेशन का क्या फ़ायदा। 48 साल बाद एक कत्ल और रेप के मामले का खुलासा हुआ था, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल देखिए, सज़ा अगर गुनहगार को मिले तो इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं होते और परिवार वालों के मन में या लोगों के मन में ये जिज्ञासा रह जाती है कि यार आखिर उस मामले में हुआ क्या होगा। तो मैं कहता हूँ 48 नहीं चाहे 50 60 7 70 कभी भी अगर ये पता चल जाता है कंक्लूसिव तरीके से कि किसी क्राइम के पीछे किसका हाथ था, तो कम से कम लोगों को एक संतोष या राहत तो मिलता है कि उन्हें जानकारी हो गई कि हाँ उस घटना में हुआ क्या था। तो कुछ मामलों में सिर्फ इतना जानकर ही संतोष करना पड़ता है झुमुर जी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मामलों में जो कल्प्रिट्स हैं जो गुनहगार हैं वो पकड़े जाते हैं और उन्हें सज़ा भी होती है। रेखा भट्ट जी ने भी गॉड ब्लेस यू लिखा है, नमस्कार सुप्रतिम, जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहो लिखा है, तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम आप स्वीकार कीजिए रेखा जी। अर्चना रोगड़ जी रेगुलर कमेंट करती हैं, थैंक यू वेरी मच। आयशा अख्तर जी का भी कमेंट आया है, अनाइजा फातिमा ने कमेंट किया है, सुप्रतिम सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। आर के राजपूत जी का भी कमेंट आया है और मेहताब इदरीशी जी का कमेंट है, बादशाहों के नाम से एक आईडी है उन्होंने भी कमेंट किया है और थोड़ा सा उन्होंने ह्यूमरस या फनी कमेंट किया है अपनी तरफ से। शंकरलाल बिश्नोई जी राजस्थान से हैं, इन्होंने राजस्थान में मुझे बुलाया है, स्वागत किया है। शमीम अहमद साहब का कमेंट है, इन्होंने शुक्रिया कहते हुए दिल की इमोजी भेजी है, थैंक यू वेरी मच। पूनम शर्मा जी, आरती शर्मा जी, भरत सिंह जी, मरियम मोहम्मद जी, शैलेंद्र सिंह जी, संतोष गुश्ता जी, फरहाद अली, ब्यूटीफुल वीडियो के नाम से एक आईडी है, योगेश धरने और कापसी रे कपीश कपीश रे के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपना कमेंट किया है। विपुल जी भी अपना इन्होंने भी अपनी राय रखी है, अपना कमेंट किया, और प्रमोद यादव जी भी उन्होंने भी अब कुछ इमोजीज भेजे हैं। तो मैं आप सारे लोगों को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आप सारे लोग इतना कमेंट करते हैं, इतना हौसला अफजाई करते हैं। आज के लिए इतना ही, सारे लोगों का कमेंट एट वन गो एट अ सिंगल डे पढ़ना संभव नहीं है, आप सब जानते हैं। सारे कमेंट मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ, इसीलिए कमेंट भेजने का और अपनी बातें मुझ तक पहुँचाने का सिलसिला जारी रखिए। मैं कुछ बातें आप लोगों तक वापस भी पहुँचाऊँगा, यही टू वे कम्युनिकेशन हमने डेवलप करने की यहाँ कोशिश की है। आई होप आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा बोलने में भी मुझे थोड़ी झिझक होती है क्योंकि अगर किसी की हत्या हो जाए मर्डर हो जाए तो कैसे कहूं कि कहानी अच्छी है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ये कहानी जो है दिलचस्प रही होगी, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस कहानी ने आप लोगों को चौंकाया ज़रूर होगा। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।